Good morning children. Welcome to English class. Today I'll teach you a lesson from your first flight book. This is lesson 7. The name of the chapter is Glimpses of India. Written by Lucio Rodrigues. So children, subsepale lesson ka title samajle the lesson. Glimpses of India means. भारत की झलक तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस चैप्टर में तीन पार्ट हैं चिल्ड्रन पहला पार्ट है अ बेकअप फ्रॉम गोवा दूसरा है कूरक और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम यानी इस ग्लिम्स ऑफ इंडिया लेसन में हम तीन स्टोरीज पढ़ेंगे तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन वो पार्ट वन है जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा तो यहाँ पर इस पार्ट में जो राइटर है वो हमें गोवा के बेकर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बताएंगे कि गोवा के जो बेकर्स हैं वो कैसे हैं उनका काम करने का स्टाइल कैसा है क्या वो आज भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं तो लेट्स बिगिन दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी पेन पोर्ट्रेट का क्या मतलब है वी ऑल नो दैट पोट्रेट इज़ अ ड्राइंग किसी का चित्र बनाना इज अ पोट्रेट पेन पोर्ट्रेट मीन्स जब हम लिख कर उसे डिस्क्राइब करते हैं और इतनी अच्छी और डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि दूसरा इंसान उसको विजुलाइज कर लेता है इमेजिन कर लेता है कि इंसान कैसा होगा तो यहाँ पर गोवा के विलेज में जो बेकर्स रहते हैं वे किस प्रकार का ट्रेडिशनल लाइफ फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल वे में उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है एक ऐसे ही बेकर के बारे में राइटर हमें बताएंगे वे कहते हैं कि जो बेकर्स हैं गोवा की सोसाइटी में वे एक बहुत इम्पॉटेंट हिस्सा होते हैं बहुत साल पहले जब पोर्टगीज़ का शासन चलता था उनका यहाँ पर राज्य था उस समय गोवा की लाइफस्टाइल में वहाँ के ट्रेडिशनल में वहाँ के कल्चर में आज भी ये पोर्टुगीज टर्म्स देखने को मिलते हैं सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस बिगिन विद द चैप्टर आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनीसिंग नोस्टालोजिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज द पोर्टगीज एंड देमस लोव्स ऑफ ब्रेड सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं चिल्ड्रेन तो यहाँ पर रिमिनेसिंग मीन्स मीन्स रिम्बरिंग याद रखना एंड नोस्टालजिकली मीन्स थिंकिंग फोनली ऑफ द पास्ट यानी कि आप अपने पुराने दिनों के बारे में बहुत ही मीठी मीठी यादें रखते हैं और उसके बारे में सोच रहे होते हैं उन्हें मिस करते हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन, जो राइटर है वो कहते हैं कि उनके जो बड़े हैं यानी उनके घर में जो भी एल्डर्स हैं वे ओल्ड डेज़ को बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से याद करते हैं और उनके ओल्ड डेज़ क्या थे पोर्टीज़ डेज़ क्या थे उनके ओल्ड डेज चिल्ड्रेन कौन से ओल्ड डेज़ को वो याद करते हैं आज भी पोर्टगीज़ डेज यानी कि पुराने समय पर गोवा पर पोर्टगीज़ का राज्य था चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको बताया था और जो ये जो एल्डर्स थे वो उन दिनों को आज भी मिस कर रहे हैं और साथ ही साथ पोर्टुगल की जो फेमस ब्रेड है उसे भी मिस कर रहे हैं उससे हमें क्या पता पड़ता है चिल्ड्रन कि जब गोवा में पोर्टीज़ का राज्य था तो वहाँ पर बेकरी बहुत ज़्यादा चलती थी बेकरीज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था और जैसा कि वहाँ पोर्टुगीज़ का राज्य था तो जो बेकरीज प्रोडक्ट्स थे वो भी उसी स्टाइल में बनते थे और जो राइटर हैं उनके जो ब्रदर्स थे उन्हें वो बहुत ही पसंद थे और आज भी वे उसे मिस कर रहे थे चिल्ड्रन क्लियर दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर यहाँ पर जो राइटर हैं वो ईटर्स ऑफ लोव्स किसे कह रहे हैं चिल्ड्रेन पोर्टगीज़ को ठीक है तो यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि वे लोग जो अब वैनिश हो गए हैं यानी चले गए हैं लेकिन वो लोग जो लोव्स बनाते थे यानी कि बेकर्स वो अभी भी गोवा में रहते हैं वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि भले ही पोर्टुगीज गोवा छोड़ करके चले गए लेकिन आज भी गोवा में ब्रेड बनाई जाती है आज भी पोर्टुगीज के द्वारा जो बड़े बड़े मोल्डर्स थे जो मिक्सचर्स थे और जो बड़े बड़े फर्नेसेस थे आज भी वर्किंग कंडीशन में गोवा में मौजूद हैं जिस प्रकार से ब्रेड को बनाने के लिए तीन स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं पहला स्टेप है डो को मिक्स करना दूसरा स्टेप है उसे मोल्ड में डालना और तीसरा स्टेप है बेक करना ब्रेड को पकाना यानी कि आटे को पकाकर ब्रेड बनाना ये तो प्रोसेस थे ब्रेड बनाने के ऑथर कह रहे हैं कि भले ही जो पोर्टगीज़ है वो चले गए लेकिन आज भी गोवा में वो वर्कर्स वो बेकर्स जो कि ब्रेड बनाया करते थे मशीनों के हेल्प से वो लोग आज भी गोवा में रहते हैं चिल्ड्रेन और आज भी वो वर्कर्स डो को मिक्स करते हैं उसे मोल्ड्स में डालते हैं और फाइनली उसे बेक करते हैं वो काम करने वाले लोग आज भी गोवा में हैं और जो पोर्टुगीज़ के ज़माने में जो बड़े बड़े मोल्डर्स होते थे जो मिक्सचर्स होते थे और जो फर्नेसेस होते थे वो आज भी वर्किंग कंडीशन में गोवा में पाए जाते हैं दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट द फायर इन द फर्नेसेज हैज़ नॉट यट बीन एक्सटिंग्विश्ड यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि भले ही पोर्टुगीज गोवा छोड़कर के चले गए हैं लेकिन आज भी उनके समय के मिक्सचर्स मोल्डर्स और फर्नेसेस जिसमें ब्रेड बनाई जाती थी ठीक ठाक कंडीशन में हैं यानी कि आज भी वो सब अच्छे से काम कर रही हैं उनकी वर्किंग में कोई कमी नहीं आई है आज भी वो बहुत अच्छी ब्रेड बनाती हैं ऑथर कहते हैं कि ऑल दो पोर्टुगीज गोवा छोड़कर के चले गए हैं लेकिन उनके द्वारा बनाई गई फर्नेसेस, बेकरीज आज भी चल रही हैं उनमें फायर एक्सटिंग्विश नहीं हुई है यानी कि आज भी उनमें फायर बर्न हो रही है और ब्रेड्स बेक हो रहे हैं सो दे आर स्टिल इन वर्किंग कंडीशन द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकरस बैम्बू हेराल्डिंग इज़ अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल भी हर्ड इन सम प्लेस हराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग तो चिल्ड्रेन जब गोवा में जो बेकरस हुआ करते थे तो क्या करते थे वो एक बैम्बूज के स्टिक के ऊपर एक बास्केट हैंग करते थे और जगह जगह ब्रेड बेचते थे राइटर कह रहे हैं कि इस बेकर की जो बैम्बू की जो थड की आवाज़ होती थी जो बिगुल की आवाज़ होती थी जिससे वो अनाउंस करता था कि वो आ रहा है आज भी कई जगहों पर सुनाई दे सकता है यानी कि आज भी गोवा के विलेजेस में ये ट्रेडिशनल बेकर देखने को मिल सकते हैं जो कि सुबह सुबह बैम्बू के स्टिक पर बास्केट में ब्रेड लेकर के बेचने के लिए निकलते हैं ऑथर का कहना ये है कि जब पोर्टगीज़ का राज था उस समय एक ट्रेडिशनल होया करता था चिल्ड्रेन जो बेकर्स होते थे वो लंबी सी डंडी के ऊपर एक बास्केट बांधते थे और उसके ऊपर ढेर सारा उसके अंदर ब्रेड रख लिया करते थे और जिस जगह से वो निकलते थे वहाँ पर अपनी जो बास्केट को ज़मीन पर रखते थे उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होता था और उनके पास एक बिगुल टाइप का रहता था जिसको वो जिसका वो साउंड प्रोड्यूस करते रहते थे जिससे कि लोगों को ये पता चल जाता था कि बेकर आ गया है और सब लोग अपने दरवाजे पर आ करके खड़े हो जाते थे और ब्रेड बेकर से ले लेते थे ये ट्रेडिशन कब था चिल्रेन जब पोर्टीज़ गोवा में राज्य करते थे लेकिन राइटर कह रहे हैं कि आज भी ऐसे कुछ लोग वहाँ पर हैं जो कि इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं आज भी वे लोग पहले की तरह कुछ ऐसे बेकर्स हैं जो बास्केट में ये बेकरीज़ के सामान ले करके जाते हैं और जगह जगह जा कर के अनाउंस करके अपने ब्रेड्स को बेचते हैं मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पेडर इन गोवा नाउ पेडर इज बेकर इन पोर्टुगीज लैंग्वेज यानी कि बेकर को पोर्टुगीज लैंग्वेज में पैडर कहा जाता है राइटर कहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे बेकर्स मर चुके हों लेकिन इनका प्रोफेशन उनके बेटे कैरी ऑन कर रहे हैं और इस तरह से ये फैमिली प्रोफेशन बन गया है फैमिली प्रोफेशन मतलब क्या है चिल्ड्रेन फैमिली प्रोफेशन मतलब वो प्रोफेशन जो कि जनरेशंस टू जनरेशंस कैरी फॉरवर्ड होता है पहले फ़ादर ने किया फिर उसके बेटे ने और उसके बाद उसके बेटे ने तो राइटर कहते हैं कि आज भी गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है जो कि पोर्टगीज़ लैंग्वेज का वर्ड है ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज़ टू बी आर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड ही यूज़ टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे अब राइटर अपने बचपन की बात करते हैं वो कहते हैं कि बचपन में जब हम गोवा में रहते थे तो जो बेकर था वो हमारी फैमिली के बहुत ही क्लोज था वो हमारे दोस्त हमारा कंपेनियन और गाइड की तरह था वो दिन में दो बार तो आता ही था तो बेकरी का इतना इन्फ्लुएंस था कि राइटर को घर में हर रोज बेकर दो बार आता था बेकरी के प्रोडक्ट्स देने के लिए वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन वैन ही रिटर्न आफ्टर एमटिंग हिज ह्यूज बास्केट बेकर राइटर के घर कब कब आता था एक तो सुबह जब वो अपनी बेकरी से निकलता था ब्रेड बेचने के लिए और दूसरी बार वो तब आता था शाम के समय जब वो अपनी बास्केट का सारा सामान बेचकर लौटता था जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वो कप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम Why was इट सो so? Was इट फॉर द लव ऑफ द लोफ नॉट एट all. अब राइटर कहते हैं कि हम बच्चे थे और सो रहे होते थे और बेकर की जिंगलिंग की आवाज़ हमें उठा दिया करती थी और जैसे ही हम उठते थे हमें पता लगता था कि बेकर आया है हम भागकर उससे मिलने जाते थे फिर राइटर कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों था क्या हमें ब्रेड से बहुत प्यार था और फिर खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था तो क्या अट्रैक्शन था जिसके कारण सभी बच्चे सो के उठते ही बेकर से मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे आगे देखते हैं The loaves were bought by some paskin or bastin, the maid servant of the house. What he longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. Paskin or bastin, be Podigese words, and children? जिसका मतलब है मेड सर्वेंट्स तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो ब्रेड की सप्लाई है वो तो कोई भी मेड सर्वेंट ले लिया करती थी तब बच्चों को क्यों इतनी अट्रैक्शन होती थी What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. What is a bread bangle? It is also no uh, known as Kankon, which means bangles in Konkani language. It is a distinctive. रिंग शेप्ड ब्रेड दैट इज़ पॉपुलर ऑल ओवर गोवा तो राइटर ये कहते हैं कि हम सुबह सुबह भागे जाते थे ऊपर क्योंकि हम अपने पसंद की कैनकॉन ब्रेड चूज़ करना चाहते थे कभी कभी ये ब्रेड स्वीट भी हुआ करती थी द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ इज स्पेश मेड बैम्बू स्टाफ यहाँ पे स्टाफ का मतलब क्या है चिल्ड्रेन स्टाफ इज़ अ स्टिक एंड झेंग झेंग इज़ द साउंड मेड बाई द स्टिक तो जैसे ही बेकर उनके घर पर आता था वो बैम्बू स्टिक से झेंग झेंग आवाज करता था जिससे कि सबको पता चल जाता था कि वो आ गया है वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड तो वो जो बेकर रहता था वो एक हाथ से टोकरी को पकड़ता था और दूसरे हाथ से स्टिक को जमीन पर हिट करके झेंग झेंग की साउंड प्रोड्यूस करता था ताकि लोग उस आवाज़ को सुने और आ के उससे बेकर बेकरी का सामान खरीदें ही वुड ग्रीड द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन वर्टिकल बैम्बू जैसे कि बच्चों की मदर बाहर जाती थी ये जो बेकर होते थे वे उन्हें ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग विश करते थे और उसके बाद अपनी बास्केट्स को जो बैम्बू लिए होते थे उस पर रख दिया करते थे वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द मिल रिब्यूक एंड द लोव वुड बी डेलीवर टू द सर्वेंट अब जैसा कि सारे बच्चे दौड़कर आते थे कि बेकर आया है तो उनके घर के बड़े जो थे वे उन्हें धक्का मारकर, डांटकर साइड में कर देते थे क्योंकि उन्हें बेकर से ब्रेड लेनी होती थी और बच्चे उनका रास्ता रोक रहे होते थे और जब बच्चे साइड हट जाते थे तो मेड सर्वेंट बेकर से लोव्स और ब्रेड लेकर अंदर चली जाती थी बट वी वुड नॉट गिव अप वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इंटू द बास्केट समहाव व्हाट इज़ अ पैरापिड चिल्ड्रन? अ लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ अ रूफ ब्रिज और बालकनी। जब बच्चों को उनके पेरेंट्स डांट कर साइड कर देते थे तो ये बच्चे किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर दीवार पर चढ़कर बेकर की टोकरी में झांकने की कोशिश किया करते थे आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैगरेंस ऑफ दोज लोव्स लोव्स फ़ॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन राइटर कहते हैं कि आज भी वो उस ब्रेड की खुशबू को पहचान सकते हैं और उसे याद करते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि राइटर भी बेकर और बेकरी के साथ बहुत अटैच्ड हैं क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में इन सब चीज़ों को बहुत ही क्लोज से ऑब्ज़र्व किया था घर के बड़ों के लिए ब्रेड के लोव्स आया करते थे और बच्चों के लिए बैंगल्स शेप की ब्रेड जिसे कैनकोन कहा जाता था वो आया करती थी then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और जब राइटर कहते हैं और जब उन्हें उनकी मनपसंद कैन कॉन ब्रेड मिल जाती थी तो ना तो वो ब्रश करते थे और ना ही मुँह धोया करते थे उनको जल्दी होती थी कि कैसे भी वो जल्दी से ब्रेड को लें और जल्दी ही उसे खाएं एंड वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ मैंगो दैंगोली फॉर द टूथब्रश एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि दांत साफ़ करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है बहुत ही मेहनत का काम है वो कहते हैं कि उन्हें ब्रश करने के लिए आम की टहनियाँ तोड़नी पड़ती थी उन पर से पत्ते उतारने पड़ते थे और फिर उन्हें दांत साफ़ करने पड़ते थे जो कि एक बड़ा मेहनत का काम था इसलिए राइटर सोचते थे कि हमें ब्रश करना ही क्यों है द टाइगर ब्रश्ड हिज टीथ हॉट टी कोड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जिस तरह से टाइगर जो कि एक जानवर है वो कभी भी ब्रश नहीं करता उसी प्रकार से हमें भी ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो कहते हैं अगर हम कुछ खाएं और उसके बाद गर्मा गर्म चाय पी लें तो वैसे ही दांत साफ़ हो जाते हैं तो चिल्ड्रेन ये सारी जस्टिफिकेशन हैं जो कि राइटर अपने बचपन में दिया करते थे क्योंकि वे दांत साफ नहीं करना चाहते थे मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चाम विदाउट ब्रेड तो यहाँ पर राइटर हमें ब्रेड का गोवा के कल्चर में क्या इम्पोर्टेंस है बताने की कोशिश कर रहे हैं वे कहते हैं कि गोवा में मैरिज में जो गिफ्ट दिए जाते थे उसमें बोल दिया जाता था जो कि स्वीट ब्रेड टाइप का होता था यहाँ पर बोल इज़ अगेन अ पोर्टुगीज़ वर्ड फिर ऑथर कहते हैं कि किसी भी पार्टी में ब्रेड का होना बहुत ज़रूरी था अगर किसी पार्टी में ब्रेड नहीं होती थी तो लोग पार्टी को इन्जॉय नहीं करते थे तो चिल्ड्रेन ये इम्पोर्टेंस थी ब्रेड की पोर्टीज़ के ज़माने में क्लियर नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज फिर वो ये कहते हैं कि गोवा के हर गांव में बेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन था क्योंकि वो ब्रेड बनाता था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी गोवा के कल्चर में द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज़ ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट ऑथर कहते हैं कि अगर किसी के घर में किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो उसकी मदर एंगेजमेंट सैरमनी में सैंडविचेज़ ज़रूर बनाया करती थी तो राइटर की इन सब बातों से हमें पता चल रहा है कि गोवा में ब्रेड बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट थी केक्स एंड बोलिन आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स वॉट इज़ बोलिन हाज ये भी एक पोर्टगीज़ वर्ड है फॉर कोकोनेट कुकीज़ केक्स एंड कोकोनट कुकीज़ एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रींट्स था क्रिसमस सेलिब्रेशन या कोई भी अन फेस्टिवल का तो इस तरह से गोवा में बेकरी एंड बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कुकीज़ बिस्किट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ये सब उनके यानि जो लोग गोवा में रहते थे उन लोगों के फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सल्यूटली असेंशियल यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि गोवा के हर गांव में एक बेकरी होना बहुत ज़रूरी था और अगर गोवा अगर आप गोवा जाएंगे तो आपको गोवा के हर विलेज में आज भी एक बेकरी देखने को ज़रूर मिलेगी द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ़ दोज डेज हैड अ पैक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई तो गोवा में जब पोर्टीज़ का राज्य था चिल्ड्रेन तो जो भी बेकर्स होते थे उनका एक यूनिफॉर्म निर्धारित था और वो एक पैक्यूलर ड्रेस पहनते थे बहुत ही अलग प्रकार का कपड़ा पहनते थे और उस ड्रेस को पोर्टीज़ भाषा में कबाई कहा जाता था और वो कैसे दिखने में होता था चिल्ड्रन? इट वॉज़ अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचेज़ डाउन टू द नीज़ वो एक सिंगल फ्रॉक होता था जैसे बच्चे फ्रॉक पहनते थे तो सिर्फ उसके मतलब गला कटा होता था जहाँ से आ, आ, बच्चा या जो व्यक्ति है वो उसको पहन लेता था और वो उसकी लंबाई कितनी होती थी घुटने से थोड़ी नीचे तक ठीक है तो यानी वन पीस होता था जैसे कि आजकल की महिलाएं आप देखते हो आपकी मम्मी लोग होती हैं गाउन पहनती हैं चिल्ड्रेन तो गाउन का क्या होता है आप गले में डाला और गाउन तो हमारी पूरी लंबी होती है एकदम फीट तक जाती है लेकिन उस ज़माने में जो ये ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बेकर्स होते थे जो ब्रेड सेलिंग करते थे उन लोग का जो पहनावा था उनकी जो एक पैक्युलर ड्रेस होती थी जिस ड्रेस को कबई कहा जाता था वो वन पीस होती थी इट इज़ जस्ट लाइक द गाउन डैट योर मदर्स वियर्स नावर डेज ठीक है लेकिन वो गाउन क्या होती है पूरा फीट तक जाती है लेकिन जो बेकर्स होते थे उस समय उनकी जो uh, मतलब ये वन पीस फ्रॉक टाइप की होती थी गाउन टाइप की होती थी वो नी से थोड़ा नीचे तक होती थी क्लियर इन आ चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच व शॉर्टर than फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स अब यहाँ पर ऑथर अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं आ, मतलब मेरे ज़माने में जब मैंने बेकर्स को देखा था तो उन लोग क्या ड्रेसेस पहनते थे उस ज़माने में थोड़ा सा जो ड्रेस का पहनावा था वो चेंज हो चुका था पोर्टीज़ के ज़माने में जैसे कि मैंने आपको बताया वन पीस होता था लेकिन ऑथर बता रहे हैं कि उनके बचपन में जो बेकर्स होते थे जो ब्रेड सेलिंग करते थे वो क्या पहनते थे चिल्ड्रेन बता रहे हैं ऑथर कि वो एक शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र्स पहनते थे नीचे ऊपर शर्ट होता था नीचे ट्राउजर्स होता था और जो ट्राउज़र्स की जो लेंथ होती थी ना चिल्ड्रेन वो बिल्कुल घुटने से थोड़ा नीचे यानी ना तो फुल होती थी और ना ही हाफ़ होती थी थ्री फोर्थ जिसे हम कह सकते हैं तो जो बेकर्स होते थे ये किसके ज़माने की बात बता रहे हैं ऑथर ऑथर अपने बचपन के ज़माने में बता रहे हैं कि जब उन्होंने प्रैक्टिकली बेकर्स को देखा था उस समय जो बेकर्स हैं उनके ज़माने में बेकर्स जो हैं वो शर्ट पहना करते थे और जो ट्राउज़र्स पहनते थे वो थ्री फोर्थ होता था यानी फुल लेंथ नहीं होती थी घुटने से नीचे तक की उसकी लेंथ होती थी जिसे हम थ्री फोर्थ पैंट कह सकते थे इवन टुडे एन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर यहाँ पर पैडर मीन्स होता है बेकर ठीक है इट इज़ अगेन अ पोर्टुगीज वर्ड तो अब यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं कि आज भी अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि इस तरह का ड्रेस पहना होता था शॉर्ट्स पहने होते थे पैंट पहने होते थे ट्राउज़र पहने होते थे कैसे ट्राउज़र जो कि जो नी होती है घुटने से थोड़ा नीचे तक अगर कोई पहन लेता था तो हम लोग या लोग वहाँ के लोग कहते थे कि उसने पैडर की तरह अपने आप को ड्रेसअप किया है यानी वो पैडर की तरह कपड़ा पहना है यानी एक बेकर की तरह उसने अपने आप को ड्रेसअप किया है तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ऑथर जो पोर्टगीज़ के ज़माने में जो बेकर्स थे जिनको पैडर कहा जाता था उनके यूनिफॉर्म्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं क्लियर द बेकर यूशली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल अब चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जिस तरह से आज के ज़माने में हम जब दूध लेते हैं या धोबी से कपड़े प्रेस कराते हैं तो क्या करते हैं चिल्ड्रेन कभी कभी किराने से सामान भी लाते हैं तो हम लिखवा देते हैं और जब महीना खत्म हो जाता है तो हम सब चाहे वो किराने की दुकान से जो हम राशन लाते हैं उसका बिल पेमेंट करें चाहे जो धोबी है जो हमारे कपड़े प्रेस करता है उसका बिल पे करते हैं या फिर जो दूध वाला है उसका बिल हम पे करते हैं यानी ये लोग पूरे मंथ हम लोग को सामान देते हैं लेकिन इनको हम पैसे कब देते हैं महीने के अंत में तो यहाँ पर भी यानी ये जो गोवा है गोवा पर जो गोवा में जो बेकर्स होते थे चिल्ड्रेन वो भी पर डे बेकरी के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचाया करते थे और महीने के अंत में आकर के अपने पैसे ले जाया करते थे यानी बिल में आ, बिल का जो भी हिसाब होता था वो महीने के अंत में आकर के क्लियर कर देते थे और वो हिसाब रखते कैसे थे लेकिन आज देखिए आज के ज़माने में हम क्या करते हैं हम कैलेंडर रहता है जिस दिन भी हम जो चीज़ लेते हैं उसको गोला कर देते हैं कि हाँ आज हमने दूध लिया और जिस दिन हम दूध नहीं लेते हैं तो उस दिन हम कैलेंडर पर निशान नहीं लगाते हैं आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं ताकि हमें इस बात का पता रहे कि हमने कितने दिन दूध लिया है कितने दिन दूध नहीं लिया है ठीक इसी प्रकार से हम कोई भी प्रोडक्ट्स जो हम क्रेडिट पर लेते हैं उसका हम हिसाब किसी न किसी तरीके से रखते ही है और जब महीना ख़त्म होता है तो हम उसका हिसाब फाइनली कर देते हैं तो चिल्ड्रन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो बेकर्स होते थे ये भी अपना हिसाब रखते थे लेकिन उस ज़माने में ये लोग क्या करते थे पेंसिल का यूज़ करते थे और जो दीवार होती थी उस दीवारों पर डेट्स वगैरह मेंशन कर देते थे कि किस घर में कितने मतलब पर डे के हिसाब से क्या क्या चीज़ उन्होंने दिया कितनी डेट्स में उन्होंने दिया कौन सी डेट में उन्होंने नहीं दिया तो हिसाब रखने का तरीका पोर्टीज़ जब गोवा में राज्य करते थे तो लोग घरों के दीवारों पर लिखा करते थे और उसी पर लिख करके वो अपने हिसाब का रिकॉर्ड बनाया करते थे क्लियर आगे देखते हैं बेकिंग वॉज इनडीड अ प्रोफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज राइटर कहते हैं कि पुराने जमाने में बेकर्स बहुत अच्छे पैसा कमाया करते थे और ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था वो काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कमा लिया करते थे क्योंकि उनके कस्टमर फिक्स थे वे उन्हें डेली फिक्स्ड सप्लाई देते थे और इस तरह से बेकर्स को अच्छा मुनाफा भी होता था द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टाफ ही हेज़ फैमिली एंड हेज़ सर्वेंट ऑलवेज लुकड हैप्पी एंड प्रॉस्परस स्टाफ मीन्स टू रिमेन हांगरी जब हम फूड का बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो फैमिली है उसके पास खाने की कोई कमी नहीं होती है जिसके कारण परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता यहाँ पर राइटर कहते हैं कि गोवा में जो बेकर्स थे उनकी फैमिली उनके नौकर और उनके साथ काम करने वाले लोग वे कभी भी भूखा नहीं रहते थे क्यों क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने को सामान होता था खाने के प्रोडक्ट्स होते थे इसलिए वे खुश और प्रॉस्परस होते थे हम ये भी कह सकते हैं कि लोग भरपेट खाना खाते थे जिसके कारण वो खुश रहते थे और वो अच्छे पैसे कमाते थे इसलिए वो प्रॉस्परस थे और एक अच्छी लाइफ जीते थे उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा हुआ करता था देअर प्लम फिजिक वॉज़ एन ओपन टेस्ट मनी टू दिस तो चिल्ड्रेन यहाँ पर प्लम फिजिक मीन्स वॉट प्लम फिजिक मीन्स प्लेजेंटली फैट बॉडी एंड टेस्ट मनी क्या होता है चिल्ड्रेन टेस्ट मनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी जिसे हम इविडेंस या किसी चीज़ का प्रूफ भी कह सकते हैं यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि गोवा में जो बेकर्स हुआ करते थे वो दिखने में अच्छे खासे मोटे थे और उनकी इस अपियरेंस को देख करके हम ये कह सकते हैं कि उनका फिज़िकल अपियरेंस इस बात का प्रमाण है कि वो अच्छा खाना खाते थे खुश रहा करते थे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिया करते थे वे प्रॉस्पेरस हुआ करते थे क्यों क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा हुआ करता था जैसे कि चिल्ड्रेन हम इस चीज़ को आज मानते हैं कि जिसके पास ढेर सारा पैसा है उसका जीवन बहुत ही प्रॉस्पेरस होता है ठीक उसी प्रकार से क्योंकि गोवा के जो बेकर्स होते थे उनके पास ढेरों पैसा हुआ करता था इसलिए उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती थी क्योंकि उन्हें जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी वो उसे खरीद लेते थे और एक विलासिता का जीवन बिताते थे क्योंकि पैसों की तो उनके पास कमी थी नहीं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गोवा के जो बेकर्स हुआ करते थे वो एक प्रॉस्परस लाइफ जिया करते थे इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपियरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर अब यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जो गोवा के बेकर्स हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे वो चिल्ड्रेन मोटे ताजे हुआ करते थे और यहाँ पे जो राइटर है वो उनको कंपेयर करते हैं जैक फ्रूट से उनकी अपीयरेंस को कंपेयर करते हैं जैक फ्रूट से तो जैक फ्रूट्स का क्या मतलब है चिल्ड्रेन जैक फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल जिसे हम कटहल कहते हैं ये एक ऐसा वेजिटेबल है चिल्ड्रन जो कि बहुत ही बड़ा और मोटा होता है तो राइटर यहाँ पर गोवा के बेकर्स के अपियरेंस को कटहल से कंपेयर करते हैं और वे कहते हैं कि अगर किसी इंसान की अपियरेंस कटहल जैसी होती थी तो उसे बेकर के साथ कंपेयर किया जाता था उस जमाने में किस जमाने में चिल्ड्रेन जब गोवा पर पोर्टुगीज़ का राज्य था क्यों कटहल के साथ यानी जैक फ्रूट के साथ ही कंपेयर किया जाता था क्योंकि गोवा में जितने भी बेकर्स हुआ करते थे वो काफ़ी मोटे ताजे हुआ करते थे जस्ट लाइक अ जैक फ्रूट यानी कटहल की तरह सो चिल्ड्रेन विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर Thank you for watching this video. I hope it was useful to you. We will meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe.